देखो वोट देने खत्म है तो वोट का है नहीं हमारे बीच के बाजू ये बीच है लोग जाते हैं लेकिन डॉल्फिन देखने को मिलता क्या? हाँ डॉल्फिन वो बोट में नीचे बीच लेते हैं डॉल्फिन निकल देते हैं। हाँ ओके बड़ा सा रिजोर्ट दिखाई देता है, ये गोवा मैरियट 5-स्टार रिजोर्ट है, उसमें स्टाइल मूवी का शूटिंग निकल है। बोट के राइट साइड में देखो रिवर दिखाई देता है, ये रिवर का नाम है गोवा मांडवी रिवर, रिवर का नाम है गोवा मांडवी रिवर। अभी हम सफर करेंगे अरेबियन सी में। बोट के लेफ्ट साइड में देखो पूरा अरेबियन सी अरब सागर है। ध्यान में रखो कोई पानी में जंप नहीं करने का, कोई वेस्ट पानी में नहीं उड़ने का, आगे पीछे डस्टबिन है, डस्टबिन फोटो खींचने का तो दोनों बाजू में आगे जाके फोटो खींच सकता है, और किसी को डांस करने का तो हमारा छोटा सा उधर आगे जगह है, उधर आप लोग डांस कर सकते हैं। और बोर्ड में आया तो सब लोगों ने एंजॉयमेंट करने का, ऐसा वेट करने का, सब लोग खड़ा रह के डांस होना मांगता है। और इसी बीच में किसी को पानी का बोतल, सॉफ्ट ड्रिंक, चिप्स या ठंडी बियर चाहिए तो अभी हो आराम से एंजॉय करो।
से मिल के दिल का है जो हाँ क्या कहे, हो गया है कैसा ये कमाल क्या कहे। पानी के लेवल में ध्यान दो, डॉल्फिन है लेफ्ट साइड में, पानी के लेवल में ध्यान दो। जब बाद में नहीं बोलने का डॉल्फिन नहीं मिला। वीएनसी का वो अपने मर्जी से आता है, अपने मर्जी से जाता है। वो देखो अभी थोड़ा हवा रफ है इसलिए बराबर दिखाई नहीं देता है। देखो एक छोटा सा बच्चा भी है उसके साथ, वही पानी के लेवल में ध्यान दो, आएगा वापस आएगा। झाग निकलेंगे वहां देखना पानी की झाग निकलते। वो सिंगापुर में पाला हुआ रहता है, देखो 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 चलो सब दोबारा डाल मेरा फोटो चलो कुमार का सिंगिंग की थोड़ा उसी साइड में रखो, स्क्वायर वाला खंबा दिखाई देता है, ये लाइट हाउस है। ये लाइट हाउस के ऊपर नाना पाटेकर का खामोशी पिक्चर का शूटिंग निकला है। ये लाइट हाउस रात को टाइम 20 सेकंड में 3 बार फ्लैश करता है जुहू गोवा करके, और रात को टाइम बाहर से बड़ा बड़ा जहाज आता है वही सिग्नल पकड़ के गोवा में आता है, नहीं तो रात को टाइम गोवा में आने को मालूम नहीं पड़ता है। लेफ्ट साइड में देखो पूरा अरेबियन सी अरब सागर है। हम लोग बहुत चुके राइट साइड में देखो किनारे पे सफेद वाला बंगला दिखाई देता है, 31 साल पुराना है।
उसका कॉस्ट था 80 करोड़, 30 साल पुराना है, उसका कॉस्ट था 80 करोड़। उसके अंदर टोटल 16 रूम है अंडरग्राउंड, और उसमें हसीना मान जाएगी पिक्चर का तुझे निकल आए, हसीना मान जाएगी गोविंदा और संजय दत्त। उसके ऊपर देखो ऑरेंज वाला सर्कल जैसा दिखाई देता है, वो उसका सोलर प्लांट है, पूरा बिजली सोलर पे ही चलता है। ओनर का नाम है जिमी गास्कर, जिमी पैलेस बोलता है उसको, पुराने जमाने का स्मगलर था वो, अभी पूरा बंगला गवर्नमेंट के अंडर है। बोर्ड के राइट साइड में देखो दरिया किनारे, देखो बोर्ड के सामने देखो दरिया किनारे, पूरे सफेद वाला घर जैसा दिखाई देता है। ये गोवा का 5-स्टार रिजोर्ट है, उसमें खाना पीना रहना सब फ्री में मिलता है, कितना भी दिन रह सकता है, कोई टेंशन की बात नहीं है। लेकिन बच्चों को अलाउड नहीं है, क्योंकि ये गोवा का अगुआडा सेंट्रल जेल है, गोवा का अगुआडा सेंट्रल जेल। ये जेल पूरा अंडरग्राउंड है, उसमें अजय देवगन का कयामत पिक्चर का शूटिंग निकला है। अभी वो जेल बंद है, गोवा गवर्नमेंट ने इसे म्यूजियम बनाया है, इसको देखने का तो आप लोग बाय रोड जा सकता है। लेफ्ट साइड में देखो पहाड़ के ऊपर देखो, लेफ्ट साइड में 2 मिनट बचा है, सब लोगों ने शानदार, अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा बहुत। देख लो मैडम ये वाला तो सबसे फेमस बीच है गोवा का, बागा का आलमगुट।